तारीखों का ऐलान होते ही यूपी में गरमाई सियासत। मिल्कीपुर सीट चुनाव पर रोक से बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, लेकिन एक सीट बाकी रह गई है, अयोध्या की मिल्कीपुर। जी हाँ, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल चुनाव अभी नहीं कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने पूर्व विधायक और 2022 के चुनाव में सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पेंडिंग होने का तर्क दिया गया है, जिसे लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो ऐसी बात बोल दी जो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। चुनाव आयोग की ओर से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं कराने के फैसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है। चुनाव आयोग ने यूपी की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को होल्ड कर दिया है। अब मिल्कीपुर सीट पर फिलहाल उपचुनाव नहीं कराए जाने के फैसले पर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिना किसी सीट और पार्टी का नाम लिए इशारों ही इशारों में बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पर शायराना पोस्ट करते हुए कहा कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि मिल्कीपुर वही सीट है जहां से सपा विधायक अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी है। सपा ने यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में भी उतार दिया था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने सीट इलेक्शन पिटीशन का हवाला देते हुए सीट पर उपचुनाव को फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट जीतने पर अवधेश प्रसाद ने जमकर वाहवाही लूटी थी। अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा झटका माना गया था क्योंकि अयोध्या इसी सीट के अंतर्गत आती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद माना जा रहा था कि बीजेपी फैजाबाद की सीट निसंकोच जीत जाएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव ने उसी जीत को लेकर इशारों ही इशारों में ये तंज कसा है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।